नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी, अभय न्यूज के 16 फरवरी बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। राजाधिराज बाबा महाकाल की अवंतिका नगरी को अयोध्या महाशिवरात्रि पर लाखों दीपकों के उजाले से दमकाया जाएगा। 14,000 लीटर तेल से 11 लाख दीपक पूरे शहर में रोशन किए जाएंगे। जिला पुरातत्व और पर्यटन परिषद ने तेल और दीपक खरीदी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो शिवरात्रि की संध्या पर उज्जैन के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। शिवरात्रि यानी 1 मार्च को शिप्रा किनारे सहित शहर भर में 11 लाख दीपक जलाने के लिए प्रशासन ने दिए तेल, वॉलंटियर सहित अन्य व्यवस्थाएं जुटाना शुरू कर दी है। इसके लिए शासन ने 14,000 लीटर तेल और 12 लाख दीयों की खरीदी का टेंडर निकाला है। बियाबानी निवासी दिलीप प्रजापति 5 लाख और प्रजापति नगर निवासी नंद किशोर प्रजापति 7 लाख दीपक सप्लाई करेंगे। अभी तेल आपूर्ति का टेंडर खुलना बाकी है। दीपक शाम 8 से रात 10 बजे तक जलाए जाएंगे। इस हिसाब से एक दीपक में करीब 11 ग्राम तेल लगने का आकलन प्रशासन कर रहा है, लेकिन 11 ग्राम तेल में 2 घंटे तक दीपकों को जलाना संभव नहीं है। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों ने भी सहयोग देने का आश्वासन दिया है। ब्राह्मण समाज के 18,000 परिवार 5-5 दीपक, अग्रवाल समाज के 1,000 परिवार का 21-21, वैश्य समाज ने 25,000 दीपक जलाने का आश्वासन दिया है। महाकाल पंडा समिति ने कोटी तीर्थ, महाकाल मंदिर की छतों सहित अन्य स्थानों पर 51,000 दीपक जलाने की योजना बनाई है। मोक्षदायिनी शिप्रा के घाटों पर 7 लाख दीपक जलाए जाने का प्लान है। इसके लिए 18,000 वॉलंटियर लगेंगे, जबकि प्रशासन व्यवस्था केवल 5,000 की कर रहा है। तमिलनाडु के तंजावुर में एबीवीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष निधि की गिरफ्तारी के विरोध में एबीवीपी ने शहर में प्रदर्शन किया है। दरअसल तंजावुर के एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा लावण्या ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के दबाव से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना का विरोध करने के लिए एबीवीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष निधि त्रिपाठी भी गई थी, जिसे तमिलनाडु सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अब स्टालिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए एबीवीपी पूरे प्रदेश में अभियान चला रही है। इस प्रदर्शन से प्रदेश का क्या ताल्लुक है, ये समझ से परे है। दूसरे राज्य की घटना को लेकर प्रदेश का माहौल गर्म किया जा रहा है। महानगर सहमंत्री आकांक्षा गहलोत ने बताया कि स्टालिन सरकार जाति कर रही है। धर्म परिवर्तन की घटना रोकने के बजाय सरकार ने निधि को गिरफ्तार कर लिया। उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु शहर के तंजावुर जिले में हमारी छोटी बहन लावण्या को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया और उससे परेशान होकर हमारी बहन लावण्या ने आत्महत्या कर ली। जब इसका विरोध हमारी सुश्री निधि त्रिपाठी दीदी द्वारा किया गया तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लानत है जिस ऐसी सरकार पर जो हमारी छोटी सी बहन लावण्या की आत्महत्या पर भी चुप है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो मौन क्यों है, आज उसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो आज हमने अपनी लावण्या बहन के लिए न्याय के लिए ये पुतला शव यात्रा निकाली है। रात में ठंड होने और शादियों का सीजन चलने का फायदा चोर उठा रहे हैं। सुने मकानों पर बदमाश धावा बोलकर ताले तोड़ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आलम यह है कि 10 दिन के भीतर ही 2 दर्जन मकानों को निशाना बना चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मकानों में चोरी की वारदात एक ही गिरोह ने की है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस सुराग का पता लगाने तक में नाकाम रही है। मंगलवार सुबह नानाखेड़ा क्षेत्र में 2 वारदात हुई। चोर अथर्व विहार कॉलोनी में कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश पिता नर्मदा शर्मा के सोने मकान का ताला तोड़कर 1.5 तोले की सोने की चेन और 3,000 रुपए नगद चुरा ले गए। मंडी सचिव का परिवार 12 फरवरी को शादी में शामिल होने भोपाल गया था। अधिकतर आभूषण उनके पास ही थे। सामान बिखरा होने की सूचना मिलने पर नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे तो उसमें संदिग्ध दिखाई दिए। चोरों ने दूसरी वारदात वसंत विहार स्थित श्री मारुति हनुमान मंदिर में की। पुजारी हरिगिरी गोस्वामी को दान पेटी टूटी मिली और उसमें रखी राशि नहीं मिली। पुलिस को मंदिर की बाउंड्री वॉल के पास बैग मिला, इसमें ताला तोड़ने के औजार थे। जनवरी के अंतिम 5 दिनों में चिमनगंज क्षेत्र में चोरों ने आधा दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। फरवरी में चोरों ने नीलगंगा क्षेत्र में 7 मकानों के ताले तोड़े। इनमें शिवांश हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले बैंक मैनेजर की यहाँ की वारदात भी शामिल है। इसमें चोर 11 तोला सोना दिन दहाड़े चुरा ले गए थे। अब नानाखेड़ा में चोर उत्पात मचा रहे हैं। वारदातों के बाद बदमाशों के फुटेज भी आए हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ पुख्ता सुराग नहीं लगा है। खास बात यह है कि चोर इंटरलॉक क्रैक करने के लिए नए औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे चंद सेकंड में इंटरलॉक टूट जाता है।
पान विहार के पास नारायण कुंज के नाम पर लोगों के साथ की गई ठगी की वारदात में आरोपियों के नाम बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नारायण कुंज धोखाधड़ी मामले में पान विहार चौकी पुलिस ने किशोर साहू, अजय साहू, पुनीत जैन सहित 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। चौकी प्रभारी राहुल चौहान ने बताया इस मामले में अभी जांच जारी है और तब आरोपियों के नाम बढ़ सकते हैं। दानीगेट निवासी राम कुमार सारवान और विद्यापति नगर निवासी जोसेफ एमान्युअल ने नारायण कुंज में प्लॉट देने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत की थी। दोनों ने 1500 वर्ग फीट के प्लॉट के लिए क्रमशः 6,76,000 और 3,50,000 रुपए 2013 में जमा किए थे। इसके बावजूद इन्हें अब तक ना तो प्लॉट दिए गए और ना ही रजिस्ट्री की गई। दोनों ने बीते साल नवंबर महीने में शिकायत की थी, इसके बाद ही प्रकरण दर्ज किया गया। कांग्रेस प्रभारी बाला बच्चन ने बुधवार को शहर में पार्टी के घर चलो घर घर चलो अभियान की हकीकत जानी। बच्चन ने शहर में भ्रमण कर खुद अपने हाथ से अभियान के पर्चे बांटे। दरअसल कांग्रेस घर घर जाकर अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धि और भाजपा सरकार की नाकामी बता रही है। यह अभियान पूरे महीने चलेगा। अभियान की हकीकत जानने के लिए शहर पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी बाला बच्चन ने श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए और फिर रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वह शहर में घूमे और अभियान के तहत दुकानदारों को पर्चे भी बांटे। बच्चन ने बताया कि 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने अपने वादों को पूरा किया, भाजपा सरकार के वादे से पलटने की जानकारी भी दी गई। आज हमने यहाँ महाकाल भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की। सबसे पहला कार्यक्रम जो है आज संत रविदास महाराज जी की जो जयंती है, तो जयंती के कार्यक्रम में रामघाट पे जाकर वहाँ अपना कार्यक्रम अटेंड करके घर चलो घर घर चलो अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की उज्जैन में, जिसमें मकसद और उद्देश्य साफ साफ सुथरा है कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने में जो काम हुए उसके बारे में जन जागरण करना। दोनों सरकारें जो अभी मध्य प्रदेश में और देश में जो दोनों सरकारें जो चल रही है उन सरकारों की जो वादे किए थे उन वादों के बारे में बताना। तो ये मध्य प्रदेश की और शहर ये उज्जैन शहर की जनता को ये लग रहा है कि ये वादों से भटकाने की बात बीजेपी जो कर रही है, जनता हम लोगों को बताती है घर चलो घर घर चलो अभियान में। उज्जैन जिले के उन्हील तहसील के ग्राम बरखेड़ा मदन में रहने वाले और मुंबई मलाड बेस में पदस्थ वायुसेना के जवान वीरेंद्र सिंह की मुंबई में ट्रेन की चपेट में आने से मंगलवार को मौत हो गई थी। बुधवार को शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जनसैलाब उमड़ा और पूरे रास्ते फूलों की वर्षा होती रही। लोगों ने भारत माता की जय और वीरेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए। दोपहर में शहीद का शव जैसे ही गांव पहुंचा उनके अंतिम दर्शन के लिए हर शख्स पहुंच गया। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी की आंखें भीगी थी। पिता फूल सिंह देवड़ा और परिवार के लोग 26 साल की उम्र में बेटे को खो देने पर बिलख रहे थे। करीब 3:30 बजे जवान को अंतिम विदाई दी गई। दरअसल शहीद जवान वीरेंद्र का सोमवार को मुंबई में पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से निधन हो गया था। रात 11 बजे परिवार को वायुसेना के अधिकारियों ने वीरेंद्र के निधन की खबर दी। जानकारी मिलते ही पिता फूल सिंह और बड़े भाई योगेंद्र सिंह, मामा, नाना रात को ही मुंबई रवाना हो गए थे। मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया और बुधवार दोपहर तक उन्हें गृह ग्राम बरखेड़ा मदन लाया गया। और अब खबरें दे दनादन। किन्नर गादीपति शबनम बुआ और उनके साथियों का सम्मान करते हुए स्वच्छता अभियान में सहयोग करने का अनुरोध निगम आयुक्त ने किया। शबनम बुआ ने भरपूर सहयोग का आश्वासन देते हुए स्वच्छता जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात की है। मक्सी रोड ब्रिज के नीचे महिला आईटीआई के सामने सौंदर्यीकरण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक, निगम उपायुक्त संजय गुप्ता एवं सुबोध जैन ने मौके का मुआयना किया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में सीवर एवं सेप्टी टैंक सफाई कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए नगर निगम ने प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें सीवर सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी के क्रम में भूखी माता घाट पर सफाई मरम्मत कार्य, रंग रोगन एवं धुलाई का कार्य किया गया। मार्किंग कर ब्लॉक तैयार किए, यही दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। संत सदा जब महाराज का रविदास जयंती पर भोपाल में सम्मान किया गया। आदिम जाति कल्याण समिति की रंजना सिंह ने महाराज श्री को विभागीय तौर पर भोपाल भेजने की व्यवस्था की। तो आपने देखी दिन भर की प्रमुख खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।